नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इकोसिस्टम लॉन्च के हिंदी एपिसोड में। और आज हम आपको हमारे कंप्लीट ऑडियो चेन के बारे में बताएंगे जो हम अभी अभी लॉन्च करने वाले हैं। और इकोसिस्टम का मतलब भी यही है कि एक एवी कॉन्फ्रेंसिंग एनवायरनमेंट में हम किस तरह से ऑडियो को पूरी तरीके से ऑफर कर सकते हैं। हम पहले सिर्फ माइक्रोफोन्स या प्रोसेसर के तौर पर हम ऑडियो सॉल्यूशन ऑफर करते थे, बट अब हम न केवल इनपुट्स या प्रोसेसिंग, हम अब और ज़्यादा तरीके से और पूरी तरीके से एक कंप्लीट चेन के रूप में हम एक ऑडियो सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, जिसे कि हम एक ऑडियो सिस्टम कहते ऑडियो इकोसिस्टम कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हम इस इकोसिस्टम अप्रोच पर पहुंचे कैसे, हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो आपने आपको पता होगा या आपने देखा होगा हमारे कुछ सालों पहले से जो हम एवी कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स में जो नए इनोवेशंस ला रहे हैं, नए नए इजाद ला रहे हैं, उनमें से एक बहुत पॉपुलर सॉल्यूशन रहा है हमारा MXA 910 सीलिंग अरे, जो हमने 2016 में लॉन्च किया था। तो इस माइक्रोफोन के आने के बाद एरे माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी में ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के तौर पर सामने आया, और इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आई एक मीटिंग रूम को यूज़ करने में, क्योंकि माइक्रोफोन टेबल से हट गया, केबल्स हट गए, तो आप मीटिंग रूम को किसी भी तरीके से यूज़ करने के लिए आपको उसकी कैपेबिलिटी मिल गई। तो जब नो ऐसा एक माइक्रोफोन एक रूम में आता है या एक से ज़्यादा इस तरह के माइक्रोफोन रूम में आते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स बनते हैं, और इन सब चैनल्स को प्रोसेस करके एक वीडियो कोडेक में देना होता है, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स के साथ उसे इंटरफेस किया जा सके। तो हमने उसके लिए इन सारे चैनल्स को आगे प्रोसेस करने के लिए हमने आगे एक 2018 में इंटेलिमिक्स P300 DSP लॉन्च किया। अब इतने सारे जो माइक्रोफोन्स लगे हैं, अरे माइक्रोफोन्स लगे हैं, इन्हें कोडेक के साथ कैसे इंटरफेस किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, और मिनिमम एफर्ट, जितना जितना कम हो सके उतना एफर्ट, जितना कम केबल जा सके, तो उसके लिए हमने 2018 में इंटेलिमिक्स P300 DSP निकाला, जो कि हमारा एक 8 चैनल DSP है, AEC के साथ, AEC नॉइस रिडक्शन, इन सारी कैपेबिलिटीज के साथ हमने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, जिससे कि आप आसानी से इन एरे माइक्रोफोन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमने आपको माइक्रोफोन लाकर दिया, हमने आपको एक DSP लाकर दिया, जिससे कि आप एक ऑडियो एक फ्लेक्सिबल ऑडियो एनवायरनमेंट अपने एवी कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स में दे सकते हैं। फिर हमने हाल ही में ये देखा कि जो सॉफ्ट कोडेक्स हैं, जिन्हें हम जूम रूम्स, हम अभी एक सॉफ्ट कोडेक एनवायरनमेंट में हैं, तो जूम रूम्स हो गए, या टीम्स हो गया, ब्लू जीन्स हो गया, वेबेक्स हो गया, ये सारे सॉफ्ट कोडेक्स जो हैं, हमने अभी एक हाल ही में स्टडी की थी, जिसमें इंडिया में ये कोडेक्स की अडॉप्शन जो है, ये अडॉप्शन काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। जिसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर कोडेक्स यूज करने वाले हैं, वो या तो कम्प्लीटली स्विच करना चाहते हैं, या धीरे से ट्रांजिशन करके स्विच करना चाहते हैं, या उन्हें एक गेटवे चाहिए कि हाँ, आज हम हार्डवेयर पे हैं, लेकिन हम सॉफ्ट कोडेक, हमारे कस्टमर्स, पार्टनर्स, सेलर्स, जिससे भी हमें कनेक्ट करना है, हमें उनके साथ एक गेटवे चाहिए, या हमें टोटली ये सॉफ्ट कोडेक एनवायरमेंट में मूव कर जाना है। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है वो इसके लिए है, क्योंकि कंप्यूटर जो है, पीसी, वो पहले से काफी पावरफुल हो गया है, और जो प्रोसेसिंग लगती थी पहले एक कॉल, एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो कि सिर्फ एक कोडेक प्रोवाइड कर सकता था, वो आज का पीसी, एक छोटा सा पीसी भी इस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को इस प्रोसेसिंग के लायक है। तो आप हाई क्वालिटी HD वीडियो दे दीजिए, या उसे अलग अलग चैनल्स के बहुत सारे अगर ऑडियो चैनल्स भी दे दें, तो पीसी के अंदर आज इतनी क्षमता है कि वो उन्हें प्रोसेस कर सकता है। तो हमने इस बात को स्टडी किया, हम काफी पिछले कई सालों से इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, और हमने ये पाया कि जिस पीसी पे जो कॉन्फ्रेंसिंग कोडेक रिसाइड करता है, जैसे कि जूम इस पीसी पे रिसाइड कर रहा है, मैं भी एक पीसी से कनेक्ट, तो इस पीसी की कैपेबिलिटी को और भी यूज किया जा सकता है। कोडेक के आने के बाद 50% से ज्यादा रिसोर्स
कॉल में होने के बावजूद उससे ज्यादा रिसोर्स एक आज के मॉडर्न पीसी में, एक एवरेज कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी में भी उतने रिसोर्सेस बचे हुए होते हैं। तो क्यों ना उन बचे हुए रिसोर्सेस को यूज किया जाए और क्यों ना उसमें एक ऑडियो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी ऐड कर दी जाए। तो इस साल 2020 फरवरी में आईएसई में हमने एक नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था डेवलप रीजन्स के लिए, जिसे हम इंटेलिमिक्स रूम कहते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हमने हमारे इंटेलिमिक्स P300 में जो इंजन था, जो कि इसे हम इंटेलिमिक्स एल्गोरिदम कहते हैं, उस एल्गोरिदम को हमने बाहर निकाला और उसे एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर बना दिया। जिसका मतलब है कि आप एक पीसी में एक सॉफ्टवेयर डीएसपी को सॉफ्टवेयर की तरह डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका पीसी न केवल एक सॉफ्ट कोडेक का काम करेगा, बल्कि एक डीएसपी का भी काम कर सकता है। तो ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि जो भी आप सॉफ्ट कोडेक्स आज बात करते हैं, चाहे वो जूम हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, ब्लू जीन्स हो, वेबएक्स हो, ये सब इन्हीं इसी पीसी में रिसाइड करते हैं। और इस पीसी को जब हम एक डीएसपी की कैपेबिलिटी दे देते हैं, तो अपने आप जो ऑडियो से रिलेटेड चीजें हैं इस कॉन्फ्रेंस रूम में, ये ऑटोमेट हो सकती हैं। ये इन्हें अलग से जाके कुछ फिजिकल कनेक्शंस की जरूरत नहीं है, इन्हें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये यूज करते हैं, ये रूम जिनमें सॉफ्ट कोडेक है, उनके लिए बहुत वर्कफ्लो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का जो रैक ट्रेडिशनली हम देखते थे, वो रैक धीरे धीरे गायब सा हो जाएगा, क्योंकि एक पीसी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोडेक का भी काम करेगा और डीएसपी का भी काम करेगा। और जो रहा सहा जरूरत है रैक बेस्ड हार्डवेयर का, वो होगा तो एक सिर्फ पीओई बेस्ड स्विच। तो अब ये सॉफ्टवेयर जो है, क्या हमने किसी एक टाइप के हार्डवेयर के लिए बनाया है? जी नहीं। ये सॉफ्टवेयर आप चाहें तो एक सिंपल से इंटेल नुक, इंटेल एनयूसी जो पीसी होती है, छोटी सी पीसी होती है, जो कि छोटे होने के बावजूद आज के डेट में कई सारे रूम्स में ये इंस्टॉल्ड है, बहुत पावरफुल है। मैं भी एक्चुअली आज इस कॉल पे एक इंटेल नुक ही यूज कर रहा हूँ। तो इस पे एक कैमरा, मेरे माइक्रोफोन्स को इन्हीं पे कनेक्ट करके आप मुझे इसी एक्सपीरियंस से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ना केवल एक सिंपल सा इंटेल नुक होगा, आप उसे एक लॉजिटेक हार्डवेयर के साथ भी इसे इंटरफेस कर सकते हैं, उसी हार्डवेयर पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रेस्ट्रॉन के हार्डवेयर पे आप इसे। सो बेसिकली आपके पास हार्डवेयर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज 10 है, तो आप इंटेलिमिक्स रूम डीएसपी को उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हमने सॉफ्टवेयर पे तो ध्यान दिया ही कि किन किन सॉफ्टवेयर के साथ ये चलेगा। मैंने जो नाम दिखाया आपको उनके साथ तो चलता ही है, मैंने कुछ और सॉफ्टवेयर के साथ भी टेस्ट किया है जिसके साथ भी ये चल रहा है। हालांकि सर्टिफिकेशन जरूरी होता है ताकि दोनों ब्रांड्स एग्री कर सकें कि ये हमने टेस्ट किया हुआ है और ये चलता है। मैंने कुछ और सॉफ्टवेयर के साथ भी टेस्ट किया है जो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही बने हैं, उसके साथ भी इंटेलिमिक्स रूम काफी अच्छे से मैंने चलते देखा है। तो इसकी दो खास बातें हो गई कि हमने इसे सॉफ्टवेयर कंपैटिबल बना दिया और इसे हार्डवेयर कंपैटिबल बना दिया। तो इससे होता यह है कि एक बार फिर से आपको एक पॉइंट मुझे याद दिलाना था कि कुछ रूम्स में जहां पे अलग अलग चैनल्स या एक बड़ा सा रूम है या एक एवरेज साइज रूम है जहां पे एक से ज्यादा माइक्रोफोन्स की जरूरत है या दो से ज्यादा माइक्रोफोन्स की जरूरत है, वहां पे इनडायरेक्टली हमें एक मिक्सर या एक डीएसपी की जरूरत पड़ जाती थी, क्योंकि इतने सारे माइक्रोफोन्स का इनपुट्स हम कैसे लें, इसे प्रोसेस कैसे करें और इसे कोडेक के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो इसके लिए अगर आपके पास सॉफ्ट कोडेक भी हो, ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको एक मिक्सर या एक रैक की जरूरत पड़ जाती थी। तो इस इंटेलिमिक्स रूम से उस रैक के कंपोनेंट्स को काफी कम किया जा सकता है और नेटवर्क माइक्रोफोन्स और नेटवर्क चैनल्स के जरिए सिर्फ एक केबल या सिर्फ एक नेटवर्क के जरिए आप इसे ऑडियो को पूरी तरह से रूट कर सकते हैं और रैक के इक्विपमेंट को आप वहां पे कम कर सकते हैं, जिससे आपके जो बड़े रूम्स हैं वहां पे आप डेडिकेटेड हार्डवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर एक रूम में फुल रैक की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां वहां पे आप यूज करें, वहां पे आप पूरा रैक सेटअप करें, लेकिन जहां पे रैक की जरूरत नहीं है वहां पे आप एक ऑप्टिमाइज अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप बजट को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में।
मेरे पास जो सेटअप है अभी, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। जैसे कि मैं बता रहा था कि एक इंटेल नुक है जिसपे मैंने इंटेल एमएक्स रूम इंस्टॉल किया हुआ। इनफैक्ट इस पीसी पे, इस नुक पे मैंने जूम के अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ब्लू जीन्स और टीम्स भी इंस्टॉल करके रखे हैं, क्योंकि हम डेमोज में इन सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। तो अभी जूम यूज हो रहा है, आप मुझे इंटेल एमएक्स रूम के जरिए प्रोसेस, आप उसके उसके जरिए ऑडियो सुन रहे हैं आप मुझे, क्योंकि इंटेल एमएक्स रूम इंस्टॉल होने के बाद मैं इस पीसी को किसी भी इंटरफेस से कनेक्ट करूं। जैसे कि अभी मैं एक दांते बेस्ड माइक्रोफोन से आपसे बात कर रहा हूं, इस माइक्रोफोन के बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और ये दांते के जरिए, नेटवर्क के जरिए इस पीसी पे पहुंच रहा है। तो इंटेल एमएक्स रूम इंस्टॉल होने के बाद ये पीसी अपने आप दांते इनेबल्ड हो गया है। इस पे दांते वर्चुअल साउंड कार्ड इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं, ये हमने दांते के साथ मिलकर इस इंटेल एमएक्स रूम सॉफ्टवेयर में ये फीचर ऐड कर दी है। तो जैसे ही ये इंटेल एमएक्स रूम सॉफ्टवेयर पीसी पे इंस्टॉल होता है, ये दांते के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। और इसी उसी तरीके से मैंने अपने माइक्रोफोन का इनपुट इस पीसी को प्रोवाइड किया है। तो ये बात होगी कि एक इंटरफेस हो गया नेटवर्क पे। इसके अलावा अगर मैं इस पीसी का आउटपुट भी यूज करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं इसका ऑडियो एचडीएमआई से लेके अपनी टीवी पे देना चाहता हूँ, तो वो भी इंटेल एमएक्स रूम उन एनालॉग इंटरफेसेस को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ना केवल मैं दांते से इनपुट्स ले सकता हूँ, बल्कि मैं इंटेल एमएक्स रूम से मैं आउटपुट्स भी डिफाइन कर सकता हूँ कि क्या मैं आउटपुट एचडीएमआई से दे सकता हूँ, क्या मैं आउटपुट यूएसबी से दे सकता हूँ, या 3.5 mm का जो उस पे पोर्ट है, क्या मैं उसे यूज कर लूँ इनपुट एंड आउटपुट के लिए। तो दोनों पीसी के पीसी आईओ फीचर से हम दोनों तरीके से इंटरफेस कर सकते हैं, ना केवल नेटवर्क बल्कि पीसी के हार्डवेयर इंटरफेसेस से भी। तो अब आगे चलते हैं कि हमने इस साल हमारे एरे माइक्रोफोन्स में नया क्या बनाया है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं हमारे सीलिंग एरे माइक्रोफोन्स के बारे में, जो कि MXA910 है, उसका टेबल वर्जन है MXA310। तो वो रहे ये दो वर्जन्स जो, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है, तो जो आप नीचे देख रहे हैं ब्लैक कलर का माइक्रोफोन है, वो हमारा टेबल वर्जन है MXA310, और ऊपर जो व्हाइट कलर में दिख रहा है वो हमारा सीलिंग वर्जन है MXA910। तो ये बने थे दो सरफेसेस के लिए। एक सरफेस हो गया टेबल, आप उसे टेबल पे रख लीजिए, किसी भी टाइप के टेबल सरफेस पे रखने के लिए टेबल वर्जन हमने बनाया था। और जब टेबल अवेलेबल नहीं था या टेबल पर माइक्रोफोन रखने की सहूलियत नहीं थी, तब हमने सीलिंग अरे का ऑप्शन दिया, जो आप सीलिंग किसी भी टाइप के सीलिंग पे दे सकते हैं, 2x2 ग्रिड सीलिंग हो या एक एक्सपोज सीलिंग हो जिसपे आप सस्पेंशन केबल्स के जरिए आप इसे माउंट कर सकते थे, या प्रोजेक्टर माउंट्स के जरिए माउंट कर सकते थे। तो बेसिकली आपके पास अगर ये दोनों सर्फेसेस हैं, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। बट अगर ये दोनों सर्फेसेस अवेलेबल नहीं है, कि आपके पास सीलिंग भी अवेलेबल नहीं है, आपके पास टेबल भी अवेलेबल नहीं है, तो आप माइक्रोफोन, क्या आप माइक्रोफोन नहीं लगा सकते? ये एक क्वेश्चन मार्क था, करेक्ट? तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को स्टडी किया और हमने एक लीनियर एरे माइक्रोफोन लॉन्च किया है, जिससे आप अपने दीवार पर, मीटिंग रूम की दीवार पर किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। हमने इसे MXA710 नाम दिया है। तो टेबल वर्जन जो था वो 310 था, सीलिंग एरे जो था 910 था। अब जो लीनियर एरे माइक्रोफोन है, जिसे हम MXA710 कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अलग अलग वर्जन्स क्या है। तो एक तो हो गया कि आप इसे एक मीटिंग रूम में काफी आसानी से टेबल के बाहर या सीलिंग के बाहर आप एक दूसरे सरफेस पे लगा सकते हैं, और ये वही एरे टेक्नोलॉजी से बना है जिससे कि आपने पहले ये टेबल के या सीलिंग के देखे, बट हमने उसे थोड़ा अलग तरीके से बनाया है ताकि आप इसे अलग अलग तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने पहले देखा कि ये एक फ्लैट नीचे, हॉरिजॉन्टल टीवी के नीचे लगा हुआ था। आप इसे, इसका जो 2 फीट वर्जन है, तो इसके दो वर्जन है बेसिकली। पहले जो आपने देखा है इसके 4 फुट वाला वर्जन था MXA710 4 फीट, और अब आप जो देख रहे हैं वो है MXA710 2 फीट। तो ये अलग अलग तरीकों से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके कलर्स भी जो हैं, आप जैसा कि आपने टेबल या सीलिंग में देखा होगा, उसके अलग अलग कलर्स भी हैं, व्हाइट है, ब्लैक है और एल्यूमिनियम है। इसे
मैंने आपको दो वॉल के इंस्टॉलेशन दिखाए हैं, बट इसे और भी अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल किया जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आगे भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले इनके फीचर्स देखते हैं। कुछ फीचर्स आप अभी जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ, इसके जो सॉफ्ट फीचर्स हैं, ये हमारे सारे एमएक्से माइक्रोफोन्स में ये फीचर्स अवेलेबल हैं, जो कि बेसिकली इसके जो पावर मिलेगी वो पावर ओवर इथरनेट से है। एक ही सिंगल केबल जाती है जो कि इथरनेट केबल है, उसे इससे पावर भी मिलती है। डांटे भी उसी में सपोर्ट होता है, AES-67 भी ये सपोर्ट करता है। LED स्टेटस से आप इसे म्यूट अनम्यूट की स्टेटस आप देख सकते हैं। दोनों सिरों पर इसके LED इंडिकेटर्स हैं, जिससे आप इसके इसकी म्यूट अनम्यूट स्टेटस देख सकते हैं। इसे एनक्रिप्शन का सपोर्ट है, तो श्योर ऑडियो एनक्रिप्शन जो है, ऑडियो पिकअप होने के बाद नेटवर्क पे जाके प्रोसेस होके कोडेक से जाते तक ये ऑडियो इनक्रिप्टेड होती है, इसे बीच में डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। इसे कॉन्फिगर करने के लिए डिजाइनर का जो टूल है, जो हमने काफी पहले लॉन्च किया था, उस डिजाइनर टूल के जरिए आप इसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, और उसी टूल के जरिए आप इसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन वेब ब्राउजर नहीं है। कुछ लोग जो आप ऑलरेडी, अगर आपने एमएक्से, अगर आपको एमएक्से का एक्सपीरियंस है 9.10 और 3.10 का, पहले उस पे वेब ब्राउजर का एक्सेस होता था। अब 4.1 फर्मवेयर अपडेट के बाद उन माइक्रोफोन्स में भी वेब एक्सेस नहीं है। अब आप सारे नेटवर्क प्रोडक्ट, श्योर के नेटवर्क प्रोडक्ट्स को श्योर डिजाइनर से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्योर के नेटवर्क प्रोडक्ट्स को सिस्टम ऑन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने 7.10 में ही तो लाए ही हैं, बट ये फीचर्स हमारे सारे नेटवर्क माइक्रोफोन प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे। जो कवरेज टेक्नोलॉजी थी 910 में, 710 में भी वही स्टेरेबल कवरेज टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। फर्क ये है कि ये जिस तरीके से कवर करता है, उसे हमने फोकस किया है कि आप जैसे इसे माउंट करेंगे उस तरीके से इसकी लोब पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं, या उस माउंटिंग पैटर्न के हिसाब से आप इसे इसके लोब्स को प्लेस कर सकते हैं डिजाइनर पर। ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी जो 910 में थी वो इसमें भी है, जिसका मतलब है कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये थोड़ा एडजस्ट कर सकता है। आपने अगर थोड़ा सा 1-2 फुट के दायरे में अगर आप मूव कर गए तो अपने आप उसकी लोब्स को पोजिशन कर सकता है। और इसमें भी बिल्ट इन इंटेलिमिक सॉफ्टवेयर है एज ए DSP। तो अगर आप छोटे शुरू में अगर इसे यूज करना चाहते हैं तो आप बिना DSP के भी सीधे एक USB कन्वर्टर के जरिए इसे डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि माइक्रोफोन्स कैसे लगाए जा सकते हैं। सीलिंग पे माउंट करने के लिए सीलिंग हैंगिंग वर्जन है, जिसे कि काफी नीटली प्लेस किया जा सकता है। हमने वॉल के एग्जांपल्स ऑलरेडी देख लिए। और ये माउंट करने के लिए कुछ एक्सेसरीज आती हैं, अलग अलग टाइप के माउंटिंग के लिए अलग अलग टाइप की एक्सेसरीज आती हैं। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक वॉल माउंटिंग एक्सेसरी है, जिसे इसके साथ जो जो ऊपर की तरफ आप एक्सेसरी देख रहे हैं वो एक गैंग स्विच का कवर जो होता है, जो स्विच बोर्ड के, छोटे स्विच बोर्ड के कवर होते हैं उस पे, या जंक्शन बॉक्सेस हो गए, जंक्शन बॉक्सेस पे भी आप इसे डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं। तो जैसे आप नेटवर्क केबल रूट हो रहा है या वहां से कुछ और केबल रूट हो रहे हैं, अगर वो जंक्शन बॉक्स अवेलेबल है तो उस जंक्शन बॉक्स के ऊपर भी आप इसे माउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडिशनल एक्सेसरीज हैं जिसे आप इस 2 फीट वर्जन को या 4 फीट वर्जन को माउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बैक पैनल का एक एक्सपोजर ऐसा है जिससे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो नेटवर्क पोर्ट है, उसके बाद हमने केबल को रन करने के लिए एक खांचा दे रखा है, जिससे कि केबल्स बाहर दिखते नहीं हैं, केबल्स फ्लश्ड होते हैं। तो इससे बेसिकली कहीं पे भी इसे माउंट करना काफी नीट लगता है, काफी क्लीन दिखता है। अगर इसे आप टेबल के ऊपर माउंट करना चाहते हैं तो इसका एक टेबल माउंट वर्जन भी अवेलेबल है, जिससे कि आप टीवी के नीचे या क्रेडेंजा जिसे कहते हैं, जो कमरे के एंड में होता है, जहाँ पे टीवी होती है, प्रोजेक्टर स्क्रीन होता है, वहां पे भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लश, सीलिंग पर फ्लश माउंट करने का भी इस पे ऑप्शन है। और अगर आप इसे, इन माइक्रोफोन्स को टेबल में फ्लश माउंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक टेबल फ्लश माउंट एक्सेसरी अवेलेबल है, जिसे कि आप
टेबल के सरफेस के साथ से फ्लश करके इसे माउंट कर सकते हैं। माइक स्टैंड से अगर आप इसे लगाना चाहें तो माइक स्टैंड एसेसरी भी इसके साथ मौजूद होगी, जिसके कारण जिसके जरिए आप किसी एनवायरनमेंट में जहां हमेशा माइक्रोफोन एक ही जगह पे प्लेस होना जरूरी नहीं है, वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपने एक टेम्पररी पोडियम बनाया है या टेम्पररी पैनलिस्ट बैठे हैं एक डेस्क पर, और उनके सामने अगर माइक्रोफोन नहीं रखना है, अभी अभी के सिचुएशन में अगर हम देखा जाए तो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग देखना है, हम उनके सामने माइक्रोफोन नहीं रख सकते, या हाइजीन रीजन से हम कोई भी एक इक्विपमेंट उनके सामने नहीं रखना चाहते, ये माइक स्टैंड के जरिए आप इसे दूर रखकर वही ऑडियंस को एक एक फ्लैट लोब के जरिए आप इसे कवर कर सकते हैं, तो पूरा एम्बियंस कवर होने के चांसेस कम हैं, रिजेक्शन काफी अच्छी मिलेगी, और दूरी से आप उन ऑडियंस को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। वीसा माउंट्स के जरिए आप इन्हें टीवी के साथ या तो टीवी के नीचे या टीवी के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं, जिसके लिए 4 फीट काफी एडिक्वेट रहेगा, काफी उसके साथ टीवी के साइज से मैच करने लायक होगा। तो ये ऑप्शन जो मैंने आपको माउंटिंग के 2 फीट में दिखाई, ये 4 फीट में भी मौजूद है। एक माइक्रोफोन से जो 2 फीट है, अगर आप इसे वर्टिकली माउंट करें तो इसकी कवरेज का रूम को कवर करने के लिए काफी होती है। अगर आप इसे टीवी के एक साइड पर लगा रहे हैं तो इसके ऑब्वियसली दूसरा साइड खाली ना दिखे, उसके लिए एक डमी वर्जन भी अवेलेबल है, तो जिसमें माइक्रोफोन नहीं होगा बट दिखने में सिमेट्री आने के लिए आप एक डमी वर्जन भी वहां पे लगा सकते हैं। जो ब्रेडेड केबल्स के साथ आप इसे सीलिंग हैंग करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ये उसका एक एग्जाम्पल है। और अगर आप इसे वॉल पर फ्लश वर्टिकली लगाना चाहते हैं तो फ्लश माउंट के साथ ये ऐसा दिखेगा। और अगर आप इसे टेबल पर फ्लश लगाते हैं तो जो सिल्वर वर्जन है वो ऐसा दिखता है। इसे अगर आप कवर करना चाहें, एक अकुस्टिक क्लॉथ का ऑप्शन भी आता है, जिससे कि आप प्रोडक्ट को दिखाए बगैर सिर्फ एक क्लॉथ कवर ही टेबल पे एक्सपोज होगा, जिसके जरिए आप माइक्रोफोन को छुपा भी सकते हैं। तो जो डिजाइनर टूल है जिससे कि इन माइक्रोफोन्स को प्रोग्राम किया जाता है, इन्हें कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसी डिजाइनर टूल से आप प्लेस भी कर सकते हैं। तो ये फीचर हमारे सीलिंग अरे माइक्रोफोन्स में तो था ही, इसे 710 में भी इसमें लाना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप प्लेस करते हैं आपको अंदाज लगाना मुश्किल होगा कि मैं अगर इस 30 बाय 40 स्क्वायर फीट के या 30 बाय 40 फीट के रूम में अगर मैं इस माइक्रोफोन को यहाँ लगाता हूँ तो इसकी कवरेज क्या होगी। तो इसके लिए डिजाइनर आपको मदद करता है। पहले आप जब इस लीनियर माइक्रोफोन को ऐड करते हैं डिजाइनर में, तो आपको पूछेगा कि आप इसे कैसे माउंट कर रहे हैं, आप इसे सीधा माउंट करेंगे या आप इसे हॉरिजॉन्टल माउंट करेंगे, आप इसे दीवार पर करेंगे, टेबल पर करेंगे, आप इसे सीलिंग पर करेंगे। इससे ये होता है कि डिजाइनर समझ जाता है कि आपको किस तरीके का लोब पैटर्न दिखाना है, ताकि आप विजुअली प्लान कर सकें। तो जब आप रूम लेआउट ऐड करेंगे, MXA 710 को ऐड करेंगे, आप लेआउट बता देंगे, तो आपको ये सब ऑप्शंस देगा कि अगर आप एक एक साइड एक कॉर्नर में रखकर, अगर आप एक जैसे 4 फीट का आपने वॉल में हॉरिजॉन्टल रखा है, अब जैसा यहाँ देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ में एक 4 फीट मैंने दीवार पर लगा रखी है, तो अगर आप ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको एक कवरेज पैटर्न ऐसा दिख सकता है। आप चूज कर सकते हैं कि क्या आपको सारे लोब्स यूज करने हैं, कि आपको एक लिमिटेड कवरेज चाहिए, 180 डिग्रीज अगर आपको नहीं कवर करना है तो आप एक छोटे पैटर्न को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 फीट में भी यही फीचर अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि जितने लोब्स आपको 4 फीट में दिख रहे थे जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें से लोब्स कम हो जाएंगे, आपको 4 लोब्स मिलेंगे 2 फीट में, और 4 फीट में आपको 8 लोब्स मिलेंगे। तो इसके जरिए आप अपनी कवरेज डिफाइन कर सकते हैं। और जब आप वॉल पर इसे सीधा लगाएंगे, जब वर्टिकल पोजीशन पे आप इन माइक्रोफोन्स को लगाएंगे, तो आपको एक साइड व्यू भी दिखेगा। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको 3 डायमेंशन में भी दिखाऊंगा। अभी जो आप देख रहे हैं, अगर आप एक सीलिंग पर इसे माउंट करेंगे तो एक कंप्लीट 360 डिग्री की कवरेज भी दिखा सकते हैं।
अब आप देख रहे हैं इसे 2D वर्जन में, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्या ये सिलेंडर है, क्या ये कोन है। तो मैं आपको कुछ विजुअल एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो कि हमारे यूजर गाइड में भी अवेलेबल है, जो भी ऑनलाइन है, आप जाकर देख सकते हैं। बट ये ग्राफिक्स जो है आपको थोड़ा एक क्लियर आइडिया देंगे कि माइक्रोफोन्स की पोजिशन के बेस पे इसकी कवरेज कैसे होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रूम में आपने दो टीवी के बीच में एक 2 फीट वर्जन को वर्टिकल तरीके से लगाया गया है, और इसकी कवरेज जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हाफ हाफ डोनट के जैसे ये कवर कर रहा है। तो बेसिकली इसकी जो आप 2D में देखते हैं, 3 डायमेंशंस में इसकी कवरेज अंदाजन ऐसे होती है। अगर आप इसे सीलिंग पर लगाते हैं, तो जैसे कि एक सीलिंग इमेजिन कीजिए कि ये जो ब्लैक बार है वो एक 2 फीट माइक्रोफोन है और वो सीलिंग से लटक रहा है टेबल के ऊपर, तो उसकी कवरेज सीलिंग से कुछ इस तरीके से होगी। और जब आप इसे टेबल पर माउंट करेंगे फ्लश, तब उसकी कवरेज कुछ इस तरीके से होगी। तो ये जो पैटर्न है डिजाइनर पे माउंट होने के बाद, वो अपने आप माइक्रोफोन को बता देता है कि आप किस तरीके से माउंटेड हैं। आप माइक्रोफोन आप इस तरीके से कवर कीजिए, और अगर आप सीलिंग पे हैं तो ऊपर से नीचे कवर कीजिए, अगर आप वॉल वर्टिकल पोजीशन पे हैं तो लोब की कवरेज को उस तरीके से डिजाइनर माइक्रोफोन को गाइड कर देता है। तो एक बार एक झलक देखते हैं कि जो इंटेलिमिक्स फीचर है माइक्रोफोन के अंदर, उससे भी आपको डीएसपी फीचर्स मिलते हैं। हर एक चैनल पर आपको पीईक्यू सेटिंग है, आप फिल्टर्स लगा सकते हैं जिससे कि अगर कुछ एम्बिएंट नॉइस है रूम में, उसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसकी ज़रूरत है। जैसे कि छोटे रूम्स में अगर आप डीएसपी, एक्सटर्नल डीएसपी नहीं चाहते हैं, माइक्रोफोन के अंदर का डीएसपी आपको उन फीचर्स को अचीव करने में या उन एरियाज को कंट्रोल करने में आपको फैसिलिटेट करता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पीसी सेटअप कैसा है इस कॉल के लिए, जिसे 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 आप मुझे सुन रहे हैं। तो आप मुझे एक्चुअली अभी एक MXA702 फीट माइक्रोफोन के जरिए सुन रहे हैं। मैं लगभग 3 से 4 फीट दूर हूँ इस माइक्रोफोन से, और जैसे मैंने बताया कि ये दांते के जरिए जो माइक्रोफोन है स्विच पे जा रहा है, पीओ स्विच पे जा रहा है, उसी स्विच से पीसी कनेक्टेड है और दांते के जरिए ऑडियो रूट हो रही है। इसी पीसी पर IMX रूम भी इंस्टॉल्ड है जो जूम के साथ इंटरफेस करके बता पा रहा है कि ओके, मेरा जो माइक्रोफोन है वो इंटेलिमिक्स रूम है और मेरा स्पीकर भी इंटेलिमिक्स रूम है। तो अगर आप में से कोई बात करता है तो वो मुझे यहाँ पे इंटेलिमिक्स रूम के जरिए ही आउटपुट पे सुनाई देता है। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि 2 फीट में भी फीचर सेम है। 2 फीट मेरा इस तरफ राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। मैं आपको चाहूँ तो थोड़ा और डिटेल व्यू दे सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक टेम्पररी अरेंजमेंट में इसे लगा रखा है, होम ऑफिस सेटअप है। बट तरीका यही होगा, इसे एक दीवार पर भी जो माउंटिंग एक्सेसरीज आते हैं उसके जरिए आप इसे माउंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा लीनियर माइक्रोफोन जो हमने अभी अभी लॉन्च किया। और आपने हम देखा कि माइक्रोफोन्स तो है ही, डीएसपी भी है, तो क्यों ना एक सीलिंग लाउडस्पीकर भी हो जाए। तो हमने एक सीलिंग पीओई पावर्ड सीलिंग लाउडस्पीकर निकाला है, जिसे हम MXN5WC कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लाउडस्पीकर के क्या फीचर्स हैं। ये बेसिकली एक पीओई पावर्ड स्पीकर है जो कि एक 5.25 इंच ड्राइवर्स के साथ आता है, और इसकी डिस्पर्शन एंगल जो है कुछ 100 डिग्रीज की है। श्योर ऑडियो इंक्रिप्शन सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि हम इनपुट से लेके प्रोसेसिंग से लेके आउटपुट तक जो भी हमारी ऑडियो ट्रैफिक होगी वो पूरी तरह से सिक्योर है, पूरी तरह के से सेफ है, और इसे कोई भी बीच में नेटवर्क पर डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। इसे ड्रॉप सीलिंग्स पर आसानी से इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है। ये दांते ना केवल दांते बट AES67 भी सपोर्ट करता है, और इसे भी डिजाइनर के जरिए ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, या इसी के तरीके डिजाइनर के जरिए ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसकी इसके ऊपर जो लोगो है वो मैग्नेटिक है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इसके जो एयर हैंडलिंग स्पेस पे जो फायर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है, फायर फायर को कैसे हैंडल करेगा,
कितनी प्रोटेक्शन है इसमें, उसके लिए जो रेटिंग होती है उसे UL 2043 प्लिनम रेटिंग कहते हैं। तो ये वो रेटिंग को भी कैरी करता है, जिससे कि अगर इन ऐसे कुछ सिचुएशन में ये सर्वाइव कर जाए तो उसकी उसकी रेटिंग के साथ, उसकी कैपेबिलिटीज के साथ ही आता है। और इसके साथ एक छोटी टाइल ब्रिज एक्सेसरी आती है, जिससे कि इसे माउंट करना आसान होता है ड्रॉप सीलिंग एनवायरमेंट्स में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो स्पीकर है इसे अलग अलग एनवायरमेंट्स में कैसे यूज किया जा सकता है, ना केवल नए प्रोडक्ट्स के साथ बल्कि जो MXA 910 है उनके साथ भी इस स्पीकर को यूज किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जो 15 सीटर मीटिंग रूम है, यहाँ पे एक 910 के साथ दो नेटवर्क स्पीकर्स हैं, जो कि एक जूम रूम है जिसपे इंटेलिमिक्स रूम एज ए प्रोसेसर चल रहा है पीछे, और ये सारे नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं, जिससे कि आपको कोई भी एनालॉग केबलिंग करने की जरूरत है नहीं। आप एक ही पीसी से उसी नेटवर्क पर जाकर सारे डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये एक 15 सीटर एग्जाम्पल हो गया। 20 सीटर में भी आप अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेसमेंट्स के जरिए इसे कवरेज दे सकते हैं। बड़े से बड़े रूम में भी आप अलग अलग इसे इसकी इसकी डिस्पर्शन के हिसाब से आप स्पीकर्स को प्लेस कर सकते हैं, और डिजाइनर टूल के जरिए आप स्पीकर को बता सकते हैं कि इसकी डिस्पर्शन कितनी कंट्रोल करनी है, या लिसनर की हाइट क्या वहाँ पे बंदा खड़े खड़े होकर सुन रहा है या वहाँ पे बैठ कर सुन रहा है, जिसके जरिए आप उसकी डिस्पर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने यहाँ पर एक स्पीकर लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो मेरे पास पूरा इकोसिस्टम अवेलेबल है, और मुझे एक रैक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेसिकली जो मेरा जो रैक है वो बेसिकली छोटा सा टेबल है जिसपे जो इंटेलमिक्स रूम का जो पीसी है वो चल रहा है, और नेटवर्क के जरिए बाकी सब कनेक्टेड है। तो जो जो हार्डवेयर है वो बेसिकली जो मुझे कवर करने के लिए चाहिए, कैमरा हो गया या माइक्रोफोन हो गया या स्पीकर हो गया, यही इन्हीं हार्डवेयर की जरूरत है मुझे एक अच्छे ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए। मुझे किसी भी एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत है नहीं इस ऑडियो एक्सपीरियंस को पाने के लिए। जो जो एडिशनल हार्डवेयर है वो बस मेरा एक छोटा सा 8 पोर्ट PoE स्विच है। तो अब इन इन प्रोडक्ट्स को तो हमने देख लिया कि ऑडियो कैसे कैप्चर करना है, प्रोसेस कैसे करना है, सुनना कैसे है। बट माइक्रोफोन्स अगर आप से दूर चले जाएं तो एक बहुत कॉमन सा इंटरफेसिंग है जो हर यूजर करना चाहता है या करना पड़ता है कभी एक मीटिंग के बीच में, कि अगर आपको कुछ तुरंत साइड डिस्कशन करनी है तो आपको एक म्यूट फीचर लगता है। पर अगर माइक्रोफोन आपसे दूर चला जाए तो फिर आपको उस मीटिंग के कंट्रोल इंटरफेस की एक्सेस जरूरत पड़ती है। अगर वो टच पैनल हो या कुछ और तरीके का इंटरफेस हो, उस इंटरफेस से आप उसे म्यूट अनम्यूट करना चाहेंगे। तो इस आस्क को, इस जरूरत को हमने समझा और हमने एक म्यूट बटन बनाया। कोशिश करता हूँ आपको ये दिखाने का। तो इस म्यूट बटन को भी हमने अभी अभी लॉन्च किया है इन माइक्रोफोन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये इसकी इसकी कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसकी इसके बहुत छोटा फॉर्म फैक्टर है। अगर आप इसे यहाँ देख सकते हैं, 1 इंच का एक सर्कल है जिसे LED इंडिकेशंस और एक कैपेसिटिव टच के साथ बनाया गया है। इसे भी डिजाइनर के साथ कन्फिगर किया जा सकता है। PoE पावर्ड है और इसे न केवल म्यूट फंक्शनैलिटी, म्यूट अनम्यूट, बट इसे थर्ड पार्टी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ भी इसे यूज किया जा सकता है कुछ और कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए। LED इंडिकेशंस भी हैं जिससे कि आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं एक्चुअली, कि न केवल ग्रीन और रेड बट इसे और कलर्स भी दे सकते हैं। तो एक छोटा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये लाइव है, यहाँ पे मेरे सामने पास लगा हुआ है। मैंने इसके टेबल के एज पे लगाया है ताकि आप समझ सकें कि इसके ऊपर का हिस्सा क्या होता है, टेबल के ऊपर का, और टेबल के नीचे का जो इंजन होता है जिसपे ये कनेक्ट होता है। तो मैं अभी इसे म्यूट करूंगा, आप देखेंगे कि इसकी LED रेड हो जाएगी और आप अब मुझे सुन सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मैं ये म्यूट बटन प्रेस कर रहा हूँ, नेटवर्क के जरिए लॉजिक इंटेलिमिक्स रूम सॉफ्टवेयर पे जा रहा है और उस सॉफ्टवेयर से लॉजिक पास ऑन हो रहा है
इस माइक पर, या इसे आप डायरेक्टली भी पास ऑन कर सकते हैं डिजाइनर टूल के जरिए। आपने जो अभी देखा वो एक टॉगल फीचर था प्रेस करने से म्यूट या अनम्यूट। आप इसे पुश टू टॉक भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर इसे दबा कर रखूँ तो मैं बात करूंगा, और मैं अगर इसे उस पर से अपनी फिंगर हटा दूँ तो फिर ये अपने आप म्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप प्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ ऑडियो फंक्शन के लिए। अगर आप इसे कुछ और फंक्शन के लिए भी यूज करना चाहते हैं, जैसे कि लुक एट मी फीचर, जैसे कि अगर मैं इस पे टच करूं तो कैमरा का प्रीसेट मुझ में आना चाहिए, ये भी एक थर्ड पार्टी कंट्रोल के जरिए आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि ये TCP/IP कंट्रोल फॉलो सपोर्ट करता है। ये नेटवर्क पर एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है जैसे आप इसे छुएंगे, और उस स्ट्रिंग के जरिए अगर आपको प्रीसेट इनेबल करना है या कैमरा का लाइट रिलेटेड कुछ प्रीसेट इनेबल करना है वो भी आप इस पे कर सकते हैं। तो जो जो इसकी फॉर्म फैक्टर है उसकी डिटेल्स मैं आपको जरा दिखा सकता हूँ। जो आपने ऊपर देखा ये एक थ्रेडेड वर्जन है, जिससे कि आप इसे टेबल की थिकनेस के हिसाब से आप इसे माउंट कर सकते हैं, और जो इसका इंजन है वो नीचे टेबल के नीचे जाता है, वो ऊपर नहीं दिखता है, और जो POE कनेक्शन है वो इसी इसी बैकएंड इंजन पे जाकर कनेक्ट होता है। तो अभी तक आपने जो देखा जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे अभी तक के, जो MX-A910, 310, P300 या AnyUSB मैट्रिक्स, जो एक एक इंटरफेस था दांते से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए, उसके जरिए, या जो नए प्रोडक्ट्स आपने अभी देखे इनके जरिए आप एक बहुत बेहतरीन ऑडियो प्लान कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी एनालॉग केबलिंग के, जिससे कि आप एक प्रोजेक्ट के रेडी होने से पहले, एक साइट के रेडी होने के पहले, आप उस साइट पर हार्डवेयर क्या लगना है वो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर के जरिए आपकी प्लानिंग। और जब इन और इसकी परफॉर्मेंस की बात आती है कि इस सारे ऑडियो, इस सारे कंपोनेंट्स को कैसे साथ में लाकर कैसे उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को यूज किया जाए, उसके लिए आप इंटेलिमिक्स रूम सॉफ्टवेयर DSP को यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये सारा ऑल इन वन सेटअप हो जाए और एक ही टूल के जरिए पूरा सेटअप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की इस इन इकोसिस्टम या इस ऑडियो चेन को किन किन तरीकों से हम एक प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि हमने किन पॉइंट्स पे ध्यान रखकर इन इन फीचर्स, इन प्रोडक्ट्स को निकाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जो माइक्रोफोन है उसे हमने क्वालिटी के लिए तो बनाए हैं, जैसे जैसा कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे एक अरे माइक्रोफोन से सुन रहे हैं, तो वहां पे हमने उस क्वालिटी को ध्यान दिया, कैसे पिकअप करना है, लूप्स कैसे कंफिगर करने हैं, पर इसे भेजना कैसे है, इसे एक एक केबल के जरिए कैसे भेजना है, वहां पे हमने उसे नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी दी, दांते की कैपेबिलिटी दी, और इसे इसे साथ में मिलकर एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसे इसे एक डिजाइन में कैसे लाना है, इस चीज पर भी हमने ध्यान दिया, जिससे कि आपको न केवल एक्सपीरियंस अच्छा मिले बट इसे डिप्लॉय करना भी काफी आसान हो जाए। कुछ और फायदे जो ऑडियो रिलेटेड तो नहीं है बट एक एक AV कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का हिस्सा होने के लिए जरूरी है, जिससे कि ये पक्का हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट्स इन सॉल्यूशंस के साथ चलने के लिए बना है। तो हमने जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, जितने पार्टनर्स हैं, जैसे कि सिस्को हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके साथ हमने टेस्टिंग की, इनके इनके साथ बैठकर हमने सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जिससे कि ये साथ में सिंक होकर चलें, और जो यूजर हैं उनके लिए ये अलग वर्कफ्लो नहीं दिखना चाहिए कि अच्छा मुझे अगर माइक्रोफोन यूज करना है तो मुझे ऐसा करना होगा, मुझे कोडेक यूज करना है तो ऐसा करना होगा। हम हमारी तरफ से हमने इस फ्लो को ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कर दिया है। एक यूजर को इस चीज की वरी करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर मुझे मीटिंग रूम में आकर कुछ यूज करना है तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट है। एक और जो IT रिलेटेड है जो मुद्दा आता है कि क्या अब आप मुझे इस पे नेटवर्क पे डाल रहे हैं, अगर आप ये कॉर्पोरेट नेटवर्क पे डाल रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर ये नेटवर्क का केबल इस पे जा रहा है तो क्या ये सेफ है, क्या ये मेरी
जो मैं कॉर्पोरेट नेटवर्क की सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए हमने इस पे इनक्रिप्शन फीचर भी ऐड किया है, जो कि श्योर ऑडियो इनक्रिप्शन है, वो एक हो गया जो जो विद इन श्योर इकोसिस्टम हमने अपने ही इकोसिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए किया है, ताकि कोई भी इसे ब्रीच कर कोई भी इसमें नेटवर्क से ऑडियो फिल्टर ना कर सके। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक इनक्रिप्शन पास फ्रेज के साथ हर एक डिवाइस के बीच में आपस में चलता है, कोई भी मैनुअली इसे इंटरवीन नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जिससे जिसे सारे एवी कंपोनेंट्स मिलते हैं आके, जिसे हम दांते कहते हैं, इस दांते की जो दांते डोमेन मैनेजर फीचर है, जिससे कि आप इन प्रोडक्ट्स को एक एक रोल बेस्ड मॉनिटरिंग पे डाल सकते हैं कि कौन किन प्रोडक्ट्स को इस नेटवर्क पे एक्सेस कर सकता है। ये ऑर्डिनेट ने ये फीचर निकाला है दांते डोमेन मैनेजर के जरिए। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को दांते डोमेन मैनेजर कंपैटिबल बनाया है, जिसके जरिए आप ऑर्डिनेट की इस फीचर को श्योर प्रोडक्ट्स के साथ आसानी से विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर सकते हैं। तो इस सारे जो प्रोडक्ट्स आपने देखे, सारे दांते डोमेन मैनेजर रेडी हैं, और अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो जो सारे प्रोडक्ट्स जो डीडीएम कंपैटिबल हैं, उनके साथ श्योर को भी ऐड कर उन्हें एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि अब इसके साथ बंडल्स कैसे बन सकते हैं, आप किन बंडल्स के बारे में सोच सकते हैं, तो इन बंडल्स के बारे में जरा देखते हैं, जो जो रूम बंडल एग्जाम्पल्स हैं। छोटे रूम्स में अगर हो गया तो जैसा कि एक छोटा हडल रूम है, वहां पे आप एक 310, एक इंटेल एमएक्स रूम पीसी, जिस जो जो जूम भी चला रहा होगा, और उस पे अगर आपको एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए, तो आप उस पे एक स्पीकर लगाकर एक आप इस इकोसिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि सारा कुछ डिजाइनर के जरिए आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर एक छोटे से रूम में ये सब करने की जरूरत है क्या? सवाल वैलिड है, बट मैंने जब ये इंस्टॉल किया, जब मेरे पास नो इस छोटे से कमरे में मैंने जब माइक्रोफोन सेटअप किया, इंटेल एमएक्स रूम लगाया, स्पीकर लगाया, तब मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि फर्क ये पड़ता है कि जब आप एक मीटिंग करते हैं, तो इन हार्डवेयर्स के जरिए आप उस वर्चुअल मीटिंग को और पर्सनल बनाते हैं। रिमोट साइट में बैठे वाले इंसान से आप वर्चुअली और करीब हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें न केवल बेहतर देख सकते हैं, बट उन्हें बेहतर सुन भी सकते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, जो शायद एक्सपीरियंस के बाद ही ज्यादा समझ में आती है। तो इन्हें इनका ध्यान रखना जरूरी है, ताकि जब आपके कस्टमर या आप अगर इसे यूज करें, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि छोटे रूम या बड़े रूम में भी एक्सपीरियंस मायने रखता है, और उस एक्सपीरियंस को कैसे दे सकते हैं वो बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम एक मीडियम रूम देखें, छोटे रूम से बड़ा एवरेज साइज रूम देखें, तो वहाँ पे एक सीलिंग अरे, जो कि पहले का 910 है, वो भी आप एक इंटेल एमएक्स रूम सॉफ्टवेयर पीसी, अगर वहाँ पे सॉफ्ट कोडेक है, जैसे जूम रूम है या टीम्स रूम है, वहाँ पे भी आप एक पहले का हार्डवेयर, जैसे कि सीलिंग अरे माइक्रोफोन, दांते स्पीकर, और इस एक पैकेज के जरिए आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप फिर से वही जो डिजाइनर टूल है, उसी के जरिए आप इस रूम को कंप्लीट, इसकी इसकी जो कंप्लीट ऑडियो रिक्वायरमेंट है, वो एक पीसी से आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक और फायदा ये होता है, जो शायद मैंने पहले नहीं बताया होगा, कि जो अलग-अलग ब्रांड से जब प्रोडक्ट्स आते हैं, बने तो होते हैं साथ में चलने के लिए, ऑब्वियसली उन्हें एक दूसरे को समझना भी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने माइक्रोफोन जब बनाया, तो हमने वो समझ डीएसपी को दी, जो कि इंटेल एमएक्स रूम है या P300 है, और वही समझ हमने आउटपुट डिवाइस को भी दी, और इस इन प्रोडक्ट्स की जो फीचर्स हैं, उनको हमने डिजाइनर टूल में डाली, जिससे कि इन प्रोडक्ट्स की फीचर्स को समझकर डिजाइनर आपको बता सकता है कि हाँ, आप इस रूम में इन डिवाइसेस को यहाँ यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसे ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो आप एक बार जब इन्हें ऐड कर देंगे, तो आप इन्हें पूरी तरीके से आपको हर एक डिवाइस को जाके कॉन्फिगर करने की जरूरत नहीं, आप इसे एक सिंगल बटन में ऑप्टिमाइज
बटन क्लिक करेंगे और ये पूरी तरीके से सारे दांत चैनल्स को कनेक्ट कर देगा और डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा कौन से इनपुट्स हैं, कौन से आउटपुट्स हैं और इन्हें इनको क्या लेवल्स देने हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक चलाना है, ये डिजाइनर आपको क्लियरली बता देगा। और इसी तरीके से मैंने ये रूम को भी सेटअप किया है डिजाइनर के जरिए। मुझे सिर्फ लीनियर माइक्रोफोन्स ऐड करनी थी, इंटेलिमिक्स रूम को उस पर ऐड करना था एक प्रोजेक्ट में, और सीलिंग स्पीकर्स ऐड करनी थी, और मुझे एक बटन क्लिक करना था ऑप्टिमाइज, जिससे कि वो उसने डिटेक्ट कर लिया कि माइक्रोफोन से कितने दांते चैनल आके पैच होंगे, डीएसपी पे स्पीकर्स इसको आउटपुट स्पीकर पे कैसे जाएगा, म्यूट बटन कैसे कनेक्ट होगा, लॉजिक कैसे जाएगा, ये सब मुझे सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सब मुझे डिजाइनर ने अपने आप कर कर दे दिया। मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना था, बताना था कि ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और उस पर मुझे मुझे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ा और मुझे सिर्फ एक बटन क्लिक करके ये सब कुछ कनेक्ट करके दिखा दिया। तो कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बताऊं जो लीनियर माइक्रोफोन और एक म्यूट बटन के साथ हो सकते हैं। अगर एक छोटा सा रूम है जहां पे आपको एक्चुअली डीएसपी की जरूरत है नहीं, वहां पे आप सिर्फ एक 710 जो माइक्रोफोन है उसे एक एनी यूएसबी मैट्रिक्स के साथ यूज कर सकते हैं, आउटपुट आप स्पीकर पर देकर। जो इंटेलिमिक्स जो 710 जो माइक्रोफोन के अंदर की जो डीएसपी कैपेबिलिटी, आप सिर्फ उसे यूज करके एक एक मीडियम सा रूम ऑपरेट कर सकते हैं। एन यूएसबी मैट्रिक्स आप दोनों सॉफ्ट कोडेक या हार्ड कोडेक एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर आप एक आपके पास एक छोटा कोडेक है जैसे एस एक्स टेन हो गया, या उस लेवल का कोई भी दूसरा वेरिएंट हो गया हार्ड कोडेक का, या सॉफ्ट कोडेक भी हो गया जैसे जूम रूम हो गया, वहां पे आप एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बड़े रूम्स में आप जहाँ पे हार्ड कोडेक है जैसे कि सिस्को का हार्ड कोडेक ही है, वहाँ पे सॉफ्ट कोडेक की गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे आप P300 और बाकी का हार्डवेयर डिजाइनर के जरिए ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कुछ और मल्टीपर्पज या काफी बड़े रूम्स होंगे जहाँ पे ज्यादा माइक्रोफोन्स की जरूरत है, वहां पर भी आप इंटेलिमिक्स रूम के जरिए एक सॉफ्ट कोडेक के जरिए, आजकल आप बड़े रूम्स में भी सॉफ्ट कोडेक्स देखेंगे, जूम रूम्स या टीम्स होंगे, ये आप बड़े रूम्स में भी यूज करते दिखेंगे आपको। उन रूम्स में भी आप रैक स्पेस को काफी रिड्यूस कर सकते हैं इंटेलिमिक्स रूम के जरिए, क्योंकि इंटेलिमिक्स सॉफ्टवेयर जो है एक 16 चैनल तक सपोर्ट कर सकता है, और 16 चैनल्स किसी भी एवरेज से बड़े रूम के लिए, लार्ज साइज रूम के लिए भी काफी होते हैं। तो एक छोटे से रूम से लेकर एक कंप्लीट एवरेज साइज या एक लार्ज साइज ट्रेनिंग रूम तक जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, इनपुट से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर आउटपुट तक, ये सारा कुछ अब हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिससे कि आप सारा जो टोटल चेन है जो आप श्योर के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपने देखे ये कुछ ही दिनों में इस साल में आपको अवेलेबल होंगे, तो अगर आप प्राइसेस में इंटरेस्टेड हैं तो ये कुछ INR में प्राइसेस हैं जो 2 फीट 4 फीट के माइक्रोफोन्स हैं, सीलिंग स्पीकर्स और जो नेटवर्क म्यूट बटन है उनकी जो MSRP है इंडिया में। और जो इंटेलिमिक्स रूम सॉफ्टवेयर है ये अभी अवेलेबल है, आप अगर आप इसके ट्राई करना चाहते हैं इसकी डेमो लाइसेंसिंग हम आपको अवेलेबल दे सकते हैं। software.shure.com पर जाकर अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ट्रायल लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप सन इन्फोनेट से इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप अपने सन इन्फोनेट कॉन्टैक्ट से भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको एक डेमो लाइसेंस अरेंज करने में हेल्प करेंगे। जो लाइसेंस है इंटेलिमिक्स रूम की वो अलग अलग टाइप्स की हैं, तो एक एक है साइजिंग के बेस पे जो 8 चैनल की है और 16 चैनल की है, और ये दोनों साइजिंग 3 साल या 5 साल के ऑप्शंस में अवेलेबल है एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। तो जो 8 चैनल 3 ईयर हो गया या 8 चैनल 5 ईयर हो गया, वैसे ही 16 चैनल में भी 3 ईयर एंड 5 ईयर ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ और सेशंस वन टू वन सेशन बुक करना चाहते हैं, मैंने 22nd से लेकर 26 तक कुछ स्लॉट अवेलेबल रखा है जहाँ पे आप इस
क्यूआर कोड पे अगर आप जाएंगे तो आप उन स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पर जाएंगे, आपके कैलेंडली की लिंक ओपन होगी जहाँ पे आप देखेंगे कि ये शेड्यूल है। अगर आपको कैलेंडर अभी अवेलेबल मिलता है, आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं जहाँ पे मैं 30 मिनट्स में आपको क्विकली बता सकता हूँ कि ये सेटअप मैंने कैसे किया है, या अगर आपके कुछ और डिटेल क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको डेफिनेटली उसमें कवर कर सकता हूँ। तो जब आप कैलेंडर पे जाएंगे, आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको अपने कंपनी के डिटेल्स डालने हैं ईमेल एड्रेस पे, और अपने कलीग्स को अगर आपको ऐड करना है तो ऐड गेस्ट में जाकर अपने कलीग्स के भी ईमेल एड्रेसेस ऐड कर लीजिए, ताकि आपके कलीग्स भी जाकर अलग अलग स्लॉट्स में बुक कर दें, ताकि हम एक कॉमन स्लॉट में साथ में मिलकर ये सेशन कर सकते हैं। तो जब आप एक कंफर्म कर लेंगे, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा और आपको एक कैलेंडर इनवाइट आएगा जिसपे जूम के डिटेल्स होंगे। तो आप जब आपके पास जब बुकिंग कंफर्मेशन आ जाएगी, वही लिंक पे हम उस शेड्यूल पे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए india@shure.com, या आप मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं panikar_devraj@shure.com। इसकी इन प्रोडक्ट्स की जिनके बारे में मैंने बताया, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी बेसिकली आप में से कई तो ऑलरेडी हैंडल कर रहे होंगे, जैसे कि जो MXA 910 है या P300 है, या जो मैंने अभी बताया जो इंटेल मिक्स रूम सॉफ्टवेयर है, इनकी इनकी ट्रेनिंग कोर्सेज आपको इस पोर्टल पे मिलेगी जो श्योर साउथ एशिया की ट्रेनिंग पोर्टल है। तो आप या तो आप इस लिंक को कैप्चर कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जिससे आप उस लिंक पर जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो प्लीज़ वहां जाकर आप साइन अप कीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। और अगर आपने MXA P300 के कोर्सेज कर लिए हैं तो आपके पास नया IMX Room का टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की और जानकारी मिलेगी। और जल्द ही हम MXA 710 जो लीनियर अरे माइक्रोफोन से या जो दूसरे प्रोडक्ट्स आपने देखे उनकी भी कोर्स आप जल्द ही वहाँ पर लोडेड दिखेंगे। तो जब तक वो आता है तब तक आप रजिस्टर कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, और इसी के जरिए आप उन प्रोडक्ट्स को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक इस पोर्टल पे नहीं गए हैं तो वहां जाके आप साइन अप करने के बाद, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री से हैं तो आप लेवल 1 और लेवल 2 कोर्सेस पे एनरोल कीजिए, और वो बेसिकली फिल्टर्ड हैं इस एवी कॉन्फ्रेंसिंग सेगमेंट के लिए। तो उम्मीद है आपको ये इकोसिस्टम लॉन्च में दिखाए गए प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए। आपको मेरी आवाज़ जो आ रही है इस प्रेजेंटेशन के जरिए, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए मुझे सुन रहे हैं जो मैंने आपको जिसके बारे में दिखाया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ हमें बताइए, और जैसे कि मैंने बताया आप सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप इस किसी भी तरीके से रीच नहीं कर पा रहे हैं, सन इन्फोनेट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हेल्प करेंगे आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी के लिए। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जल्द ही मिलने की उम्मीद में आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।